सबसे पहले तो आज 8 अगस्त अबू आसिम आजमी साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद दूंगा, और उसके बाद यही कहना चाहूँगा कि आज जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर हमारे भाई अरफात भाई ने जो रखा गया है, और तमाम ग्राम पंचायत के लोगों ने, खाड़ी पर रसूलाबाद के तमाम लोगों ने, वो इसलिए रखा गया कि आज गांव में ब्लड की बहुत कमी है भिवंडी शहर के अंदर। इसके लिए जो आज हमने ब्लड कैंप रखा है, और जो जो लोग हमारे साथ में, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 8 अगस्त अबू आसिम आजमी साहब हमारे नेता, उनका जन्मदिन है, और इस जन्मदिन की मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको। और मुबारकबाद के तौर पर हम खाड़ी पार खूनी ग्राम पंचायत और रसूलाबाद, यानी हमारे जो एरिया के लोग हैं, वो ब्लड दे के उनको तोहफा दे रहे हैं, और भिवंडी शहर में जो ब्लड की कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं हमारे अध्यक्ष सरफराज साहब को मुबारकबाद दूंगा इस अच्छे और नेक काम के लिए। और सबसे पहली बात, जो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन, बहुत बड़ा दिन, कि हमारे कायद ए मिल्लत अबू आसिम आजमी साहब का जन्मदिन है, उसके ताल्लुक से खास तौर से अरफात भाई ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके एक बहुत नेक काम में अपना योगदान दिया है। और आसिम भाई को मुबारकबाद इससे अच्छी शायद कहीं हो नहीं सकती, जितनी अच्छी इन लोगों ने यहाँ से इंतजाम करते हुए देखा हम लोगों ने। बहुत नेक काम और बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ से हुई है, और सारे शहर में इसका मैसेज जाएगा कि कायदे मिल्लत का नाम सिर्फ कायदे मिल्लत नाम से नहीं, काम से भी पड़ा है। और जिस काम की शुरुआत अरफात भाई ने, और तमाम रसूलाबाद के यहाँ के तमाम ग्राम पंचायत के लोगों को मैं खासतौर से मुबारकबाद दूंगा, इन्होंने बहुत नेक काम करके इस काम की शुरुआत की है। और यही के साथ हम लोग इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे, और आज पूरा दिन का हमारा जो प्रोग्राम अरफात भाई ने यहाँ मैनेज किया है, और भी कई काम रखे हैं, उन तमाम कामों के साथ आसिम भाई को मुबारकबाद हम लोग पेश कर रहे हैं। और कल ही मैसेज पार्टी के लोगों को दिया था, सबसे पहले तो मैं जनाब अबू आसिम आजमी साहब का जो जन्मदिन है उसकी मुबारकबाद उनको देता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि मेरे नेता अबू आसिम आजमी साहब का आदेश था कि हमारा कोई केक नहीं काटा जाए, कोई बैनर पोस्टर नहीं लगाया जाए, उन पैसों से जो गरीब कोना में मजदूर फंसे हुए हैं उसको निकालने का काम करें। तो हम भिवंडी के समाजवादियों ने, और ख़ास तौर पे मेरा गांव जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा होम ग्राउंड है, यहाँ पे सरपंच उप सरपंच दोनों समाजवादी पार्टी के हैं, पूरी बॉडी हमारी लगभग पार्टी की है, और जो नहीं भी है वो भी हमारे साथ में है। और हम सब मिलकर ये तय किए कि हम लोग एक ब्लड कैंप किया जाए अबू आसिम आजमी के जन्मदिन के मौके पर। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर की टीम लगी हुई है, काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, और ये प्रोग्राम शाम तक चलता रहेगा। इसके बाद हमारे दूसरे भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि IGM हॉस्पिटल जो कोविड है उसके बाहर हम फल देंगे मरीजों को, उसके बाद हम हर साल जो चिल्ड्रन होम में देते हैं तो वहाँ फल देंगे, उसके बाद फिर पार्टी ऑफिस पे कुछ लोगों ने जीत करके केक मंगाया है कि केक काटेंगे हम, आसिम भाई मना भी करेंगे तो हम काटेंगे। तो ऐसे 3-4 प्रोग्राम है ये अभी इसके बाद शुरू होंगे, और ये सबसे बड़ा प्रोग्राम आज जो हमारे गांव में ये हुआ ब्लड डोनेट कैंप का, एक मैसेज देना था भिवंडी के अंदर, ब्लड की बहुत ज़रूरत है, ब्लड गरीबों को मिल नहीं रहा है। अगर हम इस तरह के कैंप चलाते हैं, एक्चुअल में ब्लड कैंप के लिए लोग डरे हुए हैं, कोरोना में जो लोग मरीज हैं वो ब्लड दे नहीं सकते, तो इस डर के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे गांव के हिंदू मुस्लिम सब ने मिल के इस जो इसमें योगदान दिया, और इसका मैसेज पूरे शहर में जाएगा, और इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी ब्लड कैंप और करेगी ताकि भिवंडी के अंदर ब्लड की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। और नौजवान साथियों ने जो ब्लड दिया है उनका मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ।